बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना हमेशा से ही अपने बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। बीते काफी दिनों से वो सेनेटरी नैपकिन को जीए सर्टिफिकेट कर के दायरे से मुक्त कराने की बात कह रही हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक इवेंट के दौरान सभी राजनेताओं को कुछ ऐसा करने के लिए कह दिया कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ट्विंकल के अलावा पैडमैन के नाम से मशहूर अरुणाचलम मुरुगनाथम भी मौजूद थे। इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य पीरियड्स को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को लेकर खुलकर बात करना था। ट्विंकल ने इस मुद्दे पर सभी पुरुष राजनेताओं को एक दिन के लिए इसका इस्तेमाल करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर सभी राजनेता सेनेटरी नैपकिन का इस्तेमाल एक दिन के लिए कर लेंगे तो ये सभी जगह आसानी से मिलने लगेगा। ट्विंकल ने इस मुद्दे पर सभी पुरुष राजनेताओं को एक दिन के लिए इसका इस्तेमाल करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर सभी राजनेता सेनेटरी नैपकिन का इस्तेमाल एक दिन के लिए कर लेंगे तो ये सभी जगह आसानी से मिलने लगेगा। आपको बता दें कि मुरुगनाथम ने एक मशीन बनाई है जिसकी मदद से कम कीमत पर पैड बनाना संभव है। इसके लिए उन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यहां तक कि ट्विंकल ने अपनी किताब द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद में अरुणाचलम मुरुगनाथम का भी जिक्र किया है। इसी पर आधारित अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन अगले साल 26 जनवरी 2018 को रिलीज होगी।